हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। सिकल सेल अनीमिया एक हेरिडिटरी यानी कि अनुवांशिक डिसऑर्डर है। ये आपको अपने माँ बाप से मिलता है। कैसे सिकल सेल अनीमिया का जो जीन है वो ट्रांसमिट करता है पेरेंट्स से, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। अगर आप सिकल सेल कैरियर हैं, यानी कि आपको ये बीमारी नहीं है लेकिन आप ये जीन कैरी करते हैं, तो आपका जो पैटर्न होगा वो होता है AS, यानी कि जो हीमोग्लोबिन पैटर्न है उसे हम लेबल करते हैं AS। जब एक सिकल सेल कैरियर की शादी एक सिकल सेल कैरियर से होगी, तब इन दोनों के जीन्स मिक्सिंग जब होती है तो क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये तय करेंगे कि बच्चे को कितना परसेंटेज चांस है सिकल सेल के साथ पैदा होने का। अब हो सकता है कि बच्चा माँ से भी ये जीन ले और फादर से भी ये जीन ले, तो ऐसे में बच्चे का जो हीमोग्लोबिन होगा वो नॉर्मल होगा, उसे किसी भी प्रकार की अनीमिया की समस्या नहीं हो सकती है। तो ये 25% चांसेस हैं कि सिकल सेल कैरियर की शादी अगर किसी सिकल सेल कैरियर से होती है तो उनका बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। हो सकता है कि पिता से वो ये जीन ले और माँ से ये वाला, या माँ से ये जीन ले और पिता से ये वाला, तो ऐसे में संभावना होगी कि क्योंकि बच्चे ने एक नॉर्मल और एक नॉर्मल जीन अपने पेरेंट्स से कैरी किया है, तो बच्चा भी आप ही की तरह सिकल सेल कैरियर होगा। इस चीज़ की संभावना हो जाती है 50%। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अपने माँ बाप दोनों से ही एक डिफेक्टिव जीन, यानी कि इधर से भी वो एस ले ले और यहाँ से भी एस ले ले। अब क्योंकि दोनों डिफेक्टिव जीन्स उसके पास हैं, तो संभावना क्या है उस बच्चे को 25% की कि वो बच्चा सिकल सेल डिजीज़ के साथ में पैदा होगा। और हमने अपने पहले वीडियो में बताया कि सिकल सेल डिजीज़ एक कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इससे बचाव करें, क्योंकि इसका कोई इलाज भी मुमकिन नहीं है। तो कैसे हम सिकल सेल से बचाव कर सकते हैं, तो इसका एक साधारण सा तरीका है। जैसे शादी से पहले आप कुंडली मिलाते हैं, आप घर परिवार देखते हैं, तो एक साधारण सा टेस्ट करके हम ये जान सकते हैं कि लड़का या लड़की कहीं सिकल सेल कैरियर तो नहीं है। इस टेस्ट का नाम होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में आराम से ये मिल जाता है। और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि आप कहीं सिकल सेल कैरियर तो नहीं हैं। खासकर अगर आप बिलोंग करते हैं सेंट्रल इंडिया में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा, तो यहाँ पे सिकलिंग की समस्या बहुत कॉमन होती है। इनफैक्ट वो हिस्से जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे सिकल सेल कैरियर्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी ने अडेप्ट किया है कि जहाँ पे मलेरिया है वहाँ से बचाव के लिए एक एबनॉर्मल म्यूटेशन या एक तरीका हीमोग्लोबिन में आ गया, जो उनको मलेरिया से तो बचा रहा है लेकिन उनके रेड ब्लड सेल्स की लाइफ को कम कर रहा है, सिकल सेल डिजीज़ दे रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी मलेरिया कॉमनली पाया जाता है वहाँ पे सिकलिंग की समस्या भी कॉमनली मिलती है। तो अगर आप ऐसे किसी भी रीजन को बिलोंग करते हैं या आपकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो शादी से पहले मैं तो ये बोलूँगी कुंडली मिलाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये अपना टेस्ट कराएं और फिर ये तय करें कि अगर आप सिकल सेल कैरियर हैं तो आपके पार्टनर को सिकलिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट अगर नॉर्मल रहेगी तो ऐसे में ये जो चक्रव्यूह है बार बार सिकलिंग का आपके जनरेशन में जाने का, आप उस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। अनजाने में या कई बार आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं कि आपको पता है कि आप दोनों सिकल सेल कैरियर हैं लेकिन फिर भी आप साथ में जीवन जीना चाहते हैं, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो कुछ खास तरीके होते हैं जिनके ज़रिए आप प्रेगनेंसी में ही ये जान सकते हैं कि जो गर्भधारण आपने किया है उसमें कहीं सिकल सेल डिजीज़ तो नहीं है। ये टेस्ट होते हैं CVS या एमनियोसेंटेसिस। जब आपकी प्रेगनेंसी तकरीबन 9 से 12 13 हफ्ते की होती है तो CVS के ज़रिए, या जब आपका गर्भ 14 हफ्ते से लेकर के 19-20 हफ्ते का होता है तो एमनियोसेंटेसिस के ज़रिए आप गर्भावस्था में ही जान सकते हैं कि अंदर पनपने वाला शिशु कहीं सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित तो नहीं है, और उसी के हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। या IVF विद PGD,
टेस्ट ट्यूब बेबी में PGD करके एक तकनीक रहती है, जिसका इस्तेमाल करके आप गर्भधारण से पहले ही ये निश्चित कर सकते हैं कि जो गर्भ आप अपने अंदर में डलवाने वाले हैं उसमें कहीं सिकल सेल डिजीज या ट्रेट तो नहीं है। IVF विद PGD के जरिए आप केवल उसी एम्ब्रायो या उसी भ्रूण का इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्मल या ज़्यादा से ज़्यादा सिकल सेल ट्रेट होगा, और एमनियोसिंथेसिस और CVS के जरिए आप गर्भाधारण के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही लगभग तीसरे चौथे महीने पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं अंदर पनपने वाला शिशु सिकल सेल डिजीज से पीड़ित तो नहीं है। फिर भी मैं यही बोलूँगी कि ये सब तकनीकें साइंस ने इजाद कर ली हैं जिससे हम सिकल सेल डिजीज से बच सकते हैं, फिर भी सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि अगर कोई सिकल सेल कैरियर है तो वो दूसरे सिकल सेल कैरियर से शादी ना करे, बच्चा पैदा ना करे, या ऐसे किसी तरीके को अपनाए जिससे सिकलिंग का ट्रांसमिशन फैमिली में रुक जाए। आप चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं।